नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं इस पारिवारिक कहानी को। 80 वर्षीय रामप्रकाश जी का अंतिम संस्कार हो चुका था। घर के लोग वापस घर आ चुके थे और बाहर बरामदे में बैठे थे। रिश्तेदार अंदर बाहर हो रहे थे। कोई नहाने की तैयारी कर रहा था, कोई नहाने गया था। तभी पड़ोस से विमला चाची, उनकी दोनों बहुएं चाय और बिस्कुट वगैरह लेकर आ गई। चाय देखते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। सुबह 5 बजे से बैठे थे, अब 1:30 बज रहा था। खाने का ऑर्डर छोटी बहू नीना के भाई ने कर दिया था। 2:30 बजे तक खाना आ जाना था। तब तक सबको लग रहा था कि एक कप चाय मिल जाए, और चाय हाजिर हो गई। सब बरामदे में आ गए और अपने अपने कप लेकर वहीं बैठ गए। इतने में कांति जी को याद आया रामप्रसाद जी की पत्नी, और उन्होंने अपनी छोटी बहू से कहा, बड़ी बहू रूपा को भी बुला लो, चाय पी लेगी। तभी रूपा हाथ में बैग लिए अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर आ गई। कांति जी ने हाथ में रूपा के बैग देखकर पूछा, ये बैग किस लिए रूपा, आओ चाय पी लो। रूपा ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, चौथे पर आ जाऊँगी। सुनते ही कांति जी ने रूपा के पति सुरेश को हैरान से देखा। बाकी सब रिश्तेदार के हाथ भी फ्रीज हो गए। सब उस स्थिति को समझने का प्रयास में लग गए। सुरेश ने थोड़ा गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है रूपा, तुम्हें पता नहीं कि अभी हमें 15 दिन यही रहना है। पगड़ी रसम 13 दिन के बाद होनी है, उसके बाद ही जाएंगे। नहीं, मुझे याद है, पर कहा ना, चौथे पर आ जाऊंगी, अभी जा रही हूँ। आप यहाँ रहिए, आप तो बेटे हो, सब कुछ तो आपको ही करना है, औरत का क्या काम। कांति देवी का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। भरी बरादरी में बहू ऐसा तमाशा कर रही है, घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। रूपा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारे ससुर को गए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम ऐसा तमाशा कर रही हो। तुम घर की बड़ी बहू हो, सब कुछ तुम्हें करना है, और तुम ही जान छुड़ाकर भाग रही हो। इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। नहीं मम्मी जी, मुझे सब पता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, पर शायद आपको और आपका बेटा भूल गया है। आप लोगों ने ही कहा था कि ऐसे समय पर औरत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इस समय सिर्फ बेटे का ही काम होता है। यही शब्द थे ना जो आप दोनों ने मेरे पापा के जाने के बाद शमशान घाट पर बोले थे, जब मैं अपने घर अपने मायके जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। ये आप ही ने कहा था ना कि बेटियां नहीं रुकती, और तुम्हें पता है मैं घर का काम भी नहीं संभाल सकती। तब मेरी माँ, मेरे भाई, भाभी सब ने कितने हाथ जोड़े थे कि अच्छा चौथे तक तो रहने दो, तब तक तो बेटियाँ रुक सकती हैं। लेकिन आप लोगों ने एक ना सुनी, और उस दुख की घड़ी में मुझे रोता बिलखता देखकर भी आप लोगों को तरस नहीं आया। मेरी माँ भाई भाभी को हैरान छोड़ते हुए घर ले आए। 5 साल हो गए पापा को गए, 3 साल बाद भी माँ चली गई। तब भी सुरेश ने अपने मुझे 1 दिन के लिए नहीं छोड़ा। अपने आंसुओं, अपने दर्द को छुपाती आपके साथ वापस आ गई। आपकी दोनों बहनें भी यहीं बैठी हैं, क्या वो भी अपने ससुराल वापस जा रही हैं? नहीं ना, वो पगड़ी की रस्म तक यहीं रहेंगी। तो फिर मेरे साथ आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या समझ लिया था कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? तो फिर आज तो आप उम्मीद भी मत करो कि मैं 15 दिन तो छोड़ चौथे तक भी नहीं रुक पाऊँगी। रिश्तेदारों में खुसुर-खुसुर शुरू हो गई। सुरेश की ताई एक दबंग महिला थी, उन्होंने बात को लपक लिया और एकदम से बोल उठी, कांति, तू तो कह रही थी कि तूने बहुओं को बराबर 20-25 दिनों के लिए उनके मायके भेज दिया था, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि शमशान घाट से ही तू बहू को वापस ले आई थी, उसे उसके माँ बाप के लिए रोने भी ना दिया, और आज उसे अपनी जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रही है। और तू विका, सुरेश तेरी बुद्धि को क्या हो गया, तेरी तो 2-2 बहनें हैं। कांति ने तो बहू बेटी में फ़र्क किया, पर तू उसका साथ दे सकता था, पर तुझे भी उसका दर्द समझ नहीं आया। तू शायद भूल गया कि तेरी भी एक बेटी है, उसके साथ ऐसा हो तो
सुरेश की दोनों बहनें मुंह झुकाकर बैठी, कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। सुरेश ने नज़र उठाकर अपनी पत्नी को देखा। उसे नहीं पता था कि रूपा ने अपने दिल में एक ज्वालामुखी छुपा कर रखा हुआ था, जिसका लावा आज सरेआम फूट गया और बाहर निकल आया। कांति देवी की तो जुबान पर ताला लग चुका था। रूपा ने भरी बिरादरी में उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था कि जिसकी गूंज उन्हें अब तक तेजी से सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पारिवारिक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।